गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर कोमल गोयल. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 4, दैट इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट सम मोर फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, एज यू नो, इट्स अ एमएस वर्ड विंडो. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अलाइनिंग टेक्स्ट. बच्चों, कभी कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट को नीट एंड क्लिक लुक देने के लिए उसमें लिखे टेक्स्ट को अलाइन करना पड़ता है. एम एस वर्ड में टेक्स्ट को 4 टाइप से अलाइन किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू अलाइन अ टेक्स्ट. देखिए बच्चों, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है. अलाइनिंग का मतलब है उसे एक एग्जैक्ट पोजिशन देना. ये देखिए माई सेल्फ, ये सेंटर में दिखाई दे रहा है. अब हमें इसको लेफ़्ट में करना है. अगर हमें कोई इसको अच्छा अट्रैक्टिव लुक देना है, हो सकता है हमें इसको लेफ़्ट में करना पड़े. तो लेफ़्ट में करने के लिए इसको सबसे पहले, हमने आपको पहले भी बताया है, कोई भी टेक्स्ट को हमें फॉर्मेट करना है तो हमें सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है. हमने इसको सेलेक्ट किया होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में. देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं. लेफ़्ट अलाइनमेंट, देखिए हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट हो गया. सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई. जस्टिफाई करने से क्या होगा, देखिए ये हमारे टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये आगे पीछे हमें शो हो रहा है. अगर हम इसको जस्टिफाई कर देंगे तो ये एक वे में, एक एक्यूरेट वे में हमारे सामने आ जाएगा. आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ड आर्ट. अच्छा, वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट जो कि हमारे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में, वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट मॉडिफायर फीचर है. ये कहाँ होता है? इसको वर्ड आर्ट ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, टेक्स्ट ग्रुप में देखिए, टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे वर्ड आर्ट. जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट हमारे पास इस तरह के बॉक्स में आ जाती है. वर्ड आर्ट, हमने आपको पहले बता चुके हैं, एक मॉडिफाई फीचर है जो कि टेक्स्ट में कुछ इफ़ेक्ट्स को इंक्लूड करता है, जैसे शेडो, आउटलाइन, कलर, ग्रेडियंट, 3D इफ़ेक्ट, ये सभी कुछ ही हमारे वर्ड्स में ऐड करता है. इसको हम ऐड कैसे करते हैं? हमें कोई भी एक हम फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं, लाइक दिस वन. यहाँ पे एक बॉक्स हमें अपेयर होगा, योर टेक्स्ट हियर. आपको जो कुछ भी अपने वर्ड आर्ट में लिखना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक माई सेल्फ. ठीक, यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. साइज़ को बड़ा, छोटा, बोर्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी कर सकते हैं. और ओके, जैसे ही हमने ओके किया, देखिए हमारे पास हमारा वर्ड आर्ट यहाँ पर एक्टिव हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, बुलेट एंड नंबरिंग. व्हाट इज़ बुलेट? बुलेट क्या होती है? एक ब्लैक डॉट जिसको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं. बुलेट्स को ऐड करने के लिए, बुलेट्स क्यों हम लोग ऐड करते हैं? हमारे ये नंबर्स होते हैं हमारे वर्ड्स और सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए. इससे हम कोई लिस्ट भी तैयार, अगर हमें एमएस वर्ड में कोई लिस्ट तैयार करनी है तो हम लोग बुलेट और नंबर की हेल्प से आराम से कर सकते हैं. जैसे बच्चों देखिए, बुलेट और नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ ये देखिए, दैट वन इज़ बुलेट्स. यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत तरह की बुलेट्स आ जाएंगी. हमें जो भी बुलेट्स अच्छी लगती है उस पर हम क्लिक करेंगे. ये देखिए, यह हमारे टेक्स्ट के सामने बुलेट हो गई, लग गई है. अब इसके बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे, ये हमारे नेक्स्ट स्टेप उसमें भी आ जाएगा. ये देखिए, हम एंटर करते जाएंगे, बुलेट्स हमारे टेक्स्ट में ऐड होते जाएंगे. बुलेट्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? बुलेट्स को रिमूव करने के लिए हम ट्वाइस टाइम, यानी 2 बार एंटर को प्रेस करेंगे, तब हमारे बुलेट रिमूव हो जाएगा. जस्ट लाइक जैसे हमने बुलेट ऐड की, वैसे ही हम नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं. ये देखिए, बुलेट पोर्शन के जस्ट बगल में एक 1, 2, 3 करके फॉर्म दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो है, उस पर क्लिक करेंगे, नंबर लाइब्रेरी हमारे सामने ओपन हो गई है. इसमें हम 1, 2, 3 ब्रैकेट के साथ रोमन नंबर में, ABC किसी भी फॉर्म में हम यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग लाइन स्पेसिंग. लाइन के स्पेस को चेंज करना. बच्चों देखिए, ये जो हमें जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लाइन स्पेस है? इतना देखिए, ये लाइन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको चेंज करना, कम करना या ज़्यादा करना. तो लाइन स्पेसिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग
फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द फॉन्ट। नाउ क्लिक ऑन होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, ये देखिए ये आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और हमें जिस तरह की लाइन स्पेसिंग चाहिए, 1 में चाहिए, देखिए कम हो गई, ज़्यादा चाहिए 1.15, और ज़्यादा चाहिए 2.5। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी लाइन स्पेसिंग हमारी चेंज हो गई है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड के कुछ और फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में पढ़ा। आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। जय हिंद।